मैं हूं अपूर राज, स्वागत है आपका मीडिया 24/7 में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ इम्पोर्टेंट खबरों। कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में आए 45,000 नए मामले, 1,129 लोगों की हुई मौत। आज धरती के बेहद करीब होगा दुर्लभ धूमकेतु, वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया नया वाइस, अगली बार 6400 साल बाद दिखेगा। शराब की होम डिलीवरी को किया सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट, कहा ये जरूरी चीज नहीं तो हम ऐसा आदेश क्यों दें। राजधानी दिल्ली में बिगड़ते हुए मौसम के हालात को देखकर ऑरेंज अलर्ट जारी, उत्तराखंड बिहार और असम में रेड अलर्ट जारी। असम में भारी बाढ़ के चलते हुई अब तक 89 लोगों की मौत। झारखंड सरकार ने बढ़ते कोरोना वायरस केसेस को देख कर लिया अहम फैसला, मास्क न पहनने पे लगेगा 1,00,000 का जुर्माना और हो सकती है 2 साल की जेल। बंगाल और भोपाल में लॉकडाउन ने फिर करी वापसी, बंगाल में 3 दिन और भोपाल में 10 दिन के लिए लगा लॉकडाउन। भाजपा में शामिल होने के 24 घंटे के अंदर ही पूर्व भारतीय फुटबॉलर मेहताब हुसैन ने छोड़ी राजनीति, कहा हम किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े। सार्वजनिक बैंक के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सैलरी में होगा 15% का इजाफा। तो ये तो हो गई आज की इम्पोर्टेंट खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।